कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहां तक भी है राणा का, का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है परों को खोल जमाना उड़ान देखता है जय हिंद वंदे मातरम स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए राजस्थान जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी वन रक्षक वलपाल अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने उदयपुर जिले में स्थित वे अभ्यारण्य जो बगैरों के लिए प्रसिद्ध है तथा जहाँ रूठी रानी का मेल स्थित है ध्यान रखना रू रूठी रानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कुंभलगढ़ अभयारण्य फूलवारी की नाल केवला देव अभयारण्य या जयसमंद अभयारण्य इसका राइट आंसर क्या होगा उदयपुर जिले में कौन सा अभयारण्य है बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं ये विदा आप सभी के लिए है यह प्रश्न देख देखे किसका आंसर इसमें राइट आता है नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है ताल छापर अभ्यारण्य कुंबलगढ़ माउंट आबू या सीतामाता अभयारण्य पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित कौन सा है माउंट आबू आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा माउंट आबू बिल्कुल जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का राइट है नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या तीन कुर्ज़ा पक्षी विहार कहां पर स्थित है नागौर पुष्कर ओसिया या खिंचन पुष्कर अजमेर ओसिया जोधपुर खिंचन जोधपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है खिंचन में है बिल्कुल डी जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोहर है किस जिले का शुभंकर मोर है राष्ट्रीय पक्षी मोर हनुमानगढ़ दौसा भीलवाड़ा या अजमेर इसका राइट आंसर देखिए किसका राइट आता है बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा भीलवाड़ा भीलवाड़ा का जो शुभंकर है प्रतीक है वो आपका मोर है बिल्कुल हनुमानगढ़ का क्या है हनुमानगढ़ का क्या है बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं मेरे बहुत साथी ऐसे साथी हैं जो आर पी ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनकेडमी एप्लीकेशन पर आज से ही जी का नया स्पेशल बेंच स्टार्ट हुआ है पूरी अनुभवी और सिलेक्टेड टीम के द्वारा आपको सेकेंड ग्रेड टीचर की तैयारी करवाई जाएगी लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड वीडियो मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी राजपाल टेन कोड का यूज़ करके आप 10 परसेंट का इसमें डिस्काउंट पा सकते हैं तो देर किस बात की अभी अनएकेडमी ऐप को डाउनलोड करें और इसका लाभ अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच राज्य में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है ए है सिकर बी भी, भीलवाड़ा सी अलवर डी है धौलपुर तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है बिल्कुल यदि आपने राइट आंसर सी चुना है अलवर तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर माना जाएगा नेक्स्ट अगला देखें प्रश्न संख्या छ स्क्रीन पर आ चुका है निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है गेहूं सरसों या गन्ना तीन ही ऑप्शन आपके सामने है ऐसी कौन सी फसल है जिसको सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है यदि आपने आंसर सी चुना है गन्ना तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या छ है राजस्थान के किस जिले में जूमिंग खेती होती है जूमिंग खेती वालरा कृषि राजस्थान के किन जिलों में होती है डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर या उपरोक्त सभी बताए देखे कमेंट बॉक्स में कुछ समय दे रहा हूँ स्टूडेंट्स बाद में बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जाता आंसर देने के लिए तो आप बताए देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा यदि आपने आंसर डी चुना है उपरोक्त सभी तो आप सभी का यहाँ पर राइट होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जुड़ जाएं राज्य में घना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है सर्वाधिक घने का उत्पादन किस जिले में होता है ए है श्री गंगानगर बी हनुमानगढ़ सी है बूंदी और डी है बारा तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन आपका बूंदी जिले में होता है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल नेक्स्ट अगला है कि राजस्थान राज्य की प्रमुख फसल है गेहूँ बाजरा कपास या मक्का तो राजस्थान राज्य की प्रमुख जो फसल है वो है बाजरा मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था क्योंकि राजस्थान में बाजरे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला भी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा प्रश्न संख्या नौ है कि बुर है इसका आंसर बताएं देखें ऐसे देखो प्रश्न है ना पटवार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और अपने आगे की जो पुलिस कांस्टेबल ग्राम विकास अधिकारी इन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे खेजड़ी की पतियां हैं खेजड़ी के वर्क से प्राप्त फल बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली सुगंधित घास बबुल के वर्क से प्राप्त गोंद तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बीकानेर क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सुगंधित घास है इस घास को बुर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें परवन परियोजना किस जिले में स्थित है कोटा बूंदी झालावाड़ या बारा तो परवन परियोजना आपकी बारह जिले में है यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तो परवन परियोजना आपकी बारह जिले में हो जाएगी डी आपका राइट है बिल्कुल जो विद्यार्थी बता रहे हैं कमेंट में डी बारह सभी का राइट है अगला प्रश्न राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है ए है उदयपुर बी जयपुर सी कोटा डी है अजमेर तो आपकी सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है वो कोटा संभाग है राइट आंसर आपका सी माना जाएगा जो विद्वार्थी यहाँ पर सी बता रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट अगला अगला है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है ए काली सिंध बी जाखम सी बनास डी है चंबल तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है इसका राइट आंसर आपका सी माना जाएगा नेक्स्ट अगला है कि निम्न में से चंबल की साइक नदी नहीं है चंबल नदी की कौन सी साइक नदी नहीं है ये ध्यान रखना पार्वती काली आहू या लीलड़ी देखो पार्वती कालीसिंध और आहू ये तीनों चंबल की साइक नदियां हैं लेकिन लीलड़ी नहीं है लीलड़ी यहाँ पर नहीं है तो डी आपका यहाँ पर राइट होगा नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों की सीमा बनाती है ए चंबल नदी बी माही नदी सी बनास डी है लोणी नदी तो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों की सीमा कौन सी नदी बनाती है तो ये आपकी माही नदी बनाती है बी आपका राइट आंसर होगा माही नदी राजस्थान के दक्षिणी इन जिलों में बहती है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है यह भी आप ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह प्रश्न रीट एग्जाम में गया। ए, भी नकी सी, और डी है कायलाना सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है अपनी जयसमंद झील बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है ए डूंगरपुर बी बांसवाड़ा सी झालावाड़ डी है प्रतापगढ़ यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपका यदि कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है जैसे महिला बाल अपराध कंप्यूटर हो गया या करण जी के वगैरह तो आप मुझे इस क्लास के समाप्त होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएँ ताकि आपके लिए आपकी सुविधा के अनुसार हम क्लास स्टार्ट कर सकें टॉपिक वाइज तो भाई तालाब झील कहां पर है बिल्कुल बांसवाड़ा में भी आपका यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है डूंगरपुर बीकानेर सिरोही या कोटा तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डूंगरपुर जिला बिल्कुल जो भी विद्यार्थी ए बता रहे हैं सभी का राइट आ चुका है नेक्स्ट हड़ोती पठार की मिट्टी है ए जलोड भी लाल सी भूरी और डी है मध्यम काली हड़ोती पठार की मिट्टी कैसी है यह मध्यम काली मिट्टी है आपका राइट आंसर यहाँ पर डी होगा राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है ए है श्री गंगानगर बी धौलपुर सी जैसलमेर डी है जोधपुर सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर जिला है आपका राइट आंसर सी माना जाएगा नेक्स्ट पूर्वा हवा किसे कहा जाता है ए है दक्षिण पश्चिमी मानसून को बी है पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवा सी उत्तरी पूर्वी लौटते हुए मानसून को और डी है उपरोक्त सभी पूर्वाई किसे कहा जाता है पूर्वई हवा क्या है पूर्व से आने वाली नमी युक्त हवा है आपका राइट आंसर बी यहाँ पर माना जाएगा राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है ए भरतपुर बी बांसवाड़ा सी झालावाड़ डी सिरोही तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ है राइट आंसर आपका सी माना जाएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह जिला कौन सा है ए है बाड़मेर बी जैसलमेर सी सिकर और डी है चूरू तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा जैसलमेर नेक्स्ट सिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है ए भाकर बी गिरवा सी बोराट डी इनमें से कोई नहीं ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है तो इन्हें भाकर बोला जाता है ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा गोगुंदा वे कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम है ए बोराट का पठार बी लसाड़िया सी मेवाड़ डी ऊपरमाल गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित जो पठार है इसका नाम क्या है बिल्कुल बोराट का पठार ए आपका यहां पर क्या होगा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट मावट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है गेहूं बाजरा कपास या चाय माउट क्या होती है सर्दियों में होने वाली वर्षा इसे सर्वाधिक फ़ायदा होता है आपकी गेहूं की फसल को राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बाजरा वगैरह ये क्या है ये तो खरीफ की फसल है तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होता उल्टा नुकसान ही होता है ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा तो आज की क्लास में इतना ही इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी एक में मिल जाएगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल जो भी साथी जुड़े हुए एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और बाकी महिला बाल अपराध कंप्यूटर का सारा कोर्स हमने करवा दिया है आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर धन्यवाद जय हिंद